हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एक ब्लॉगर तो नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो या वॉइस बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता था कि आपके पास जो है वायरलेस माइक होना चाहिए। अगर आपके पास वायरलेस माइक नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ तो वायरलेस माइक की जो स्टार्टिंग है वो जो है 6000 से स्टार्टिंग होती है, और 6000 से स्टार्टिंग होने के बाद फिर आप जो आगे तक कितने भी महंगे से महंगा जो है वायरलेस माइक खरीद सकते हो। तो उस इतना बजट हमारा स्टार्टिंग में नहीं होता है कि 6000 का हम जो है वायरलेस माइक खरीदें। तो उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हो, आप जो है 100 रुपये में जो है अपने वायरलेस माइक बना सकते हो, बहुत ही इजी वे में जो बना सकते हो। आप जो है मैं वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से 100 रुपये में जो है वायरलेस माइक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। आप जो है YouTube पर वीडियोस बना सकते हो वायरलेस माइक की, यानी कि वॉइस बना सकते हो, कॉमेडी वीडियो बना सकते हो, या अदर को जो भी आप काम करना चाहते हो, यानी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट दूर है और कैमरा दूर है सब्जेक्ट से, तो उसके लिए आप जो है वायरलेस का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो, वायरलेस माइक बना सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखोगे तो आपको जो है ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आप जो है किस तरीके से 100 रुपये का जो है वायरलेस माइक बना सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो, क्योंकि जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो है वहाँ पर भी मैं जो है पोस्ट अपडेट देता रहता हूँ। और व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो है वहाँ पर भी हमारे व्लॉग आते रहते हैं। गाइज, अब बात कर लेते हैं कि आप जो 100 रुपये आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करने, यानी कि 100 रुपये में आपको जो क्यों बोल रहा हूँ कि आप जो 100 रुपये में माइक क्यों बना सकते हो। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो ऑनलाइन एक माइक मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये का वो माइक आता है, 100 या 110 रुपये का, वो अमेज़ोन से आपको जो है उसको परचेज़ कर लेना है। और परचेज़ करने के बाद फिर जब वो आपके पास आ जाएगा और आने के बाद फिर आपको जो है एक कीपैड का फ़ोन ले लेना है, यानी कि कीपैड का फ़ोन ले सकते हो या कोई भी अदर फ़ोन ले सकते हो, यानी कि जिसमें जो रिकॉर्डिंग हो सकती है आपकी आवाज़ की, वो फ़ोन आपको ले लेना है। यानी कि मेरे पास एक फ़ोन है, वो मैं इस मेरे पास ये सैमसंग का Z2 का फ़ोन है। अब मैंने ये मतलब ये लेने के बाद फिर आपको जो है उस माइक को क्या करना है, उस माइक को अपने यहाँ पर कॉलर में लगा देना है। अगर आप कॉमेडी वीडियो शूट करते हो तो यहाँ पर अपने कॉलर में लगा देना है, जैसे मैंने ये लगा रखा है। तो आपको जो कॉमेडी वीडियो में क्या होता है कि कॉमेडी वीडियो में जो है हमारा माइक दिखता नहीं है, यानी कि दिखता नहीं है, तो आपको जो कॉलर के अंदर लगा लेना है। यानी कि यहाँ पर जैसे मेरा ये माइक दिख रहा है, तो आपको जो है उसको कॉलर के अंदर लगा लेना है। और अंदर जैसे ही आप लगाओगे तो वो जो आपका जो छिप जाएगा। किस तरीके से, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास जो एक ईयरफोन है, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो किस तरीके से वायरलेस माइक बना सकते हो, तो ये मैंने जो उसी मतलब वही मेरा वायरलेस माइक है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो वही ये काम करता है कि वो तरीके से आप जो किस तरीके से कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आपके पास 100 रुपये वाला माइक आ जाएगा, यानी कि जो माइक मैंने आपको परचेस करने के लिए बोला अमेज़ोन से, तो वो जो है 100 रुपये में आप जो इन्वेस्ट करके आप जो परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद फिर आपको जो इस वाले फ़ोन में जो भी आपका कीपैड का फ़ोन हो या कोई भी अदर फ़ोन हो, तो आपको जो इसमें कनेक्ट कर देना है उस माइक को, यानी कि इसको कनेक्ट करने के बाद। और कनेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपना इसमें जो है अपना रिकॉर्डिंग को खोल लेना है, यानी कि जहाँ पर भी आपकी रिकॉर्डिंग होती हो तो आपको जो इसमें रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है। यानी कि मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया, और रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद फिर क्या करना है, आपको जो इसके जो मतलब माइक है ये आपको जो कॉलर के अंदर डाल देना है। कॉलर के अंदर डालने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इस माइक को अंदर से ले जाके फिर फ़ोन को जो अपनी पॉकेट में रख लेना है। पॉकेट में रख लोगे तो फिर क्या होगा कि आप जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर जो आप सबसे पहले आपको इसको ऑडियो को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद फिर जो है वहाँ पर आप जो है कॉमेडी वीडियो की शूटिंग कर सकते हो। और शूटिंग करने के बाद जैसे ही आप उस वीडियो को रोक दोगे, और इस ऐसे ही आपको जो ऑडियो को भी रोक देना है और वीडियो को भी रोक देना है। और रोकने के बाद फिर आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको जो अपनी वीडियो और ऑडियो को सिंक करने में, यानी कि शेक करने में, मतलब एक साथ लगाने में इस्तेमाल करनी होगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत जो इन ऑडियो और वीडियो को एक साथ मिलाने में अगर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे, तो आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, यानी कि ना नॉइस आएगी ना ही कुछ आएगा। यानी कि अगर आप आउटडोर में भी शूट करते हो तो यानी कि उस जो वो माइक है 100 रुपये वाला, यानी कि 100 रुपीज़ का जो माइक आएगा, उसकी जो क्वालिटी काफ़ी बेटर तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से आप जो काइनमास्टर में वीडियो और ऑडियो को एक साथ मिलाकर आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपकी क्वालिटी 100 क्वालिटी इंटू 100 हो जाएगी।
तो इसी तरीके से आप जो वायरलेस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉमेडी या वॉइस वीडियो बनाने में, यानी कि अमित बढ़ाना जैसे जैसे आप वो बनाते हैं, तो आप भी जो उसी तरीके की क्वालिटी ले सकते हो अपने कॉमेडी वीडियो में या वॉइस वीडियो में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये 100 रुपये में से 100 रुपये में माइक बनाना सीख गए होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, क्योंकि जो ऐसी इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पर आती रहती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।